इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है और प्रवीण तोगड़िया को ये बड़ा झटका है। हम आपको बता दें, प्रवीण तोगड़िया समर्थित राघव रेड्डी वीएचपी अध्यक्ष का चुनाव हार गए हैं। तोगड़िया समर्थक को हराकर सदाशिव कोकजे वीएचपी के नए अध्यक्ष बने हैं। सिर्फ 60 वोट मिले हैं राघव रेड्डी को और वीएचपी की तरफ से इस बात का औपचारिक तौर पर आधिकारिक तौर पर ऐलान हो गया है। सदाशिव कोकजे को 131 वोट मिले हैं, तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है प्रवीण तोगड़िया के लिए बड़ा झटका। सीधे हम रुख करेंगे एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता का। अंकित, इस बड़ी हार के साथ कि ये मान लिया जाए कि कम से कम वीएचपी के संदर्भ में ये प्रवीण तोगड़िया के युग का अंत है। जी बिल्कुल, ये कहा जा सकता है। हालांकि वीएचपी इस बात को जो सीधे तौर पर नहीं कह रही है, उसका कहना है कि चुनाव होता रहता है और इससे जो ये दिखता है कि किस तरीके से पारदर्शिता है पार्टी में। लेकिन निश्चित तौर पर प्रवीण तोगड़िया, जिनको एक तरीके से मोदी की अगर ये कहा जाए कि मुखालफत या खिलाफत करना भारी पड़ा है, तो कहना गलत नहीं होगा। और इसका अंदाजा इसी बात से लग जाता है कि 1964 में वीएचपी का गठन हुआ था, उसके बाद से चुनाव या मतदान नहीं हुआ था। लेकिन इसके बाद में अब ऐसे हालात बने थे कि मतदान हुआ है और उस मतदान के दौरान जो प्रवीण तोगड़िया के एक तरीके से गुट के कहे जा सकते हैं राघव रेड्डी, वो चुनाव हार गए हैं। जी तो अंकित, ये बड़ी जानकारी देते हुए कि राघव रेड्डी प्रवीण तोगड़िया समर्थित चुनाव हार गए हैं। वीएचपी नेता सुरेंद्र जैन इस वक्त जुड़ गए हैं और वो क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले पर, अंकित ने उनसे बात की, सुनिए। प्रवीण तोगड़िया के लिए कहा जा रहा है कि वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की मुखालफत और खिलाफत कर रहे थे और इस वजह से संघ चाहता था कि वो इस तरह से ना हो, लेकिन वो अपनी बात पर कायम था और इस वजह से उनको हटाने के लिए, उनको हराने के लिए ये चुनाव किया गया। ये मैं पहली बार सुन रहा हूं कि चुनाव किसी को हराने के लिए होता है। चुनाव का उद्देश्य केवल राय जानना होता है। अगर देश के अंदर चुनाव हुए हैं तो वो कांग्रेस को हराने या भाजपा को या जनसंघ को हराने के लिए नहीं होते। देश की राय किनके पक्ष में है और फिर सब मिलकर उस राय का सम्मान करते हैं। हमने केवल राय जानने के लिए किया था, किसी के दबाव में नहीं किया था। हम सब लोग प्रबुद्ध हैं, जानते हैं दबाव में चुनाव टलवाए जाते हैं, करवाए नहीं जाते। चुनाव हुए हैं राय जानने के लिए, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने राय प्रकट कर दी है। अब वयम पंचाधिकशतम का सूत्र लेकर हम सब मिलकर काम करेंगे। लेकिन सबके बीच में जिस तरीके से प्रवीण तोगड़िया का रुख रहा है लगातार, नहीं तो वो सवाल इस वजह से क्योंकि उन्होंने एबीपी न्यूज़ इंटरव्यू में बातचीत में भी कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वादा किया था, जिसके साथ वो जीत कर आए थे, उन पर खड़े नहीं उतर रहे हैं। उनकी मुखालफत जिस तरीके से जो है वो करते रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे, तो फिर क्या होगा उनका रोल वीएचपी में? उन्होंने बार बार कहा है कि वो जो खिलाफत कर रहे हैं वो मोटा भाई की एक नाना भाई कर रहा है। मुलाकात का समय एक भाई एक मित्र दूसरे से मांग रहा है। मुझे लगता है इसमें विश्व हिंदू परिषद कहीं नहीं है। तो आपने देखा किस तरह से प्रवीण तोगड़िया के लिए ये जो नतीजा आया है वीएचपी अध्यक्ष पद का, किसी बड़े झटके से कम नहीं है। हर खबर की लेंगे खबर मास्टर स्ट्रोक में रात 9 बजे। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।